कानपुर के चकेरी में बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर मोहम्मद आसिफ और पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही हैं। पुलिस ने अपराधी की 3 संपत्तियां चिन्हित की हैं। आला कमान के निर्देश के बाद कार्रवाई की बात की जाएगी। जी हां, आपको बताते चले, बीती 20 जून 2020 को हिस्ट्री सीटर पिंटू सेंगर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए पप्पू स्मार्ट साउथ अख्तर महफूज अख्तर समेत 14 आरोपियों को जेल भेजा था। वही हत्याकांड के मास्टरमाइंड पप्पू स्मार्ट पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई। साथ ही इसके ऊपर दर्जनों केस भी दर्ज हैं और यह भूमाफिया है। वही पुलिस ने केडीए प्रशासन व अन्य विभागों के अफसरों के साथ मिलकर पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया है और अब उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसके साथ ही कमिश्नरेट पुलिस ने थाना स्तर पर और जिला स्तर पर भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार की है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का कहना है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आला कमान के निर्देश मिलते ही सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करीब 25 भूमाफियाओं को पुलिस ने चिन्हित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। देखिए, इसमें पुरानी पूरी लिस्ट को, जितने भी जो भूमाफिया थे उनको चिन्हित किया गया और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है। और इसके अंदर करीब हमने 10 या 12 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की हैं और उन पर पूरा पेपर वर्क करके उनके खिलाफ सक्सेसिव कार्रवाई की जाएगी। और टोटल अभी करीब 25 के आसपास हैं जो कमिश्नरेट के अंदर, जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और आने वाले 15 से 30 दिन के अंदर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टियों को सीज किया जाएगा।